उपचुनाव में मीना निर्दलीय उम्मीदवार भी है, साथ ही साथ मैं आप चैनल के माध्यम मीना प्रदेश री जनता मीना निवेदन करने चाहूँ कि समय बहुत कम रही हो, जिका भी अबार मतदान कोनी करे हो, ज्यादा से ज्यादा जार मतदान करे, आप रो एक एक मतदान आप रो क्षेत्र रो विकास और क्षेत्र रो भविष्य तक करे। हाल ही में एक वीडियो जरूर देखने को मिलियो, पर उरी सत्यता हाल तक था कौन पड़ी है, एक बार पूरो जो घटनाक्रम आ गया है उरी बाद में कुछ। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा करके करना, जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई तरीके में ब्रीच नहीं होना चाहिए, यथासंभव शांति व्यवस्था बनाए रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर यह घटना क्यों हुई, ये लार्की कारण है, ये थोड़ी देर बाद ज्यादा स्पष्ट हो उठा। रविंद्र जी, आपको लगता है क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही घटनाक्रम आपके साथ नजर में आया था, जब आप इंटरव्यू दे रहे थे बूथ के अंदर थे और अधिकारियों ने आपके कहा कि आप बाहर जाइए, आपके समर्थक बाहर जाइए, तो आपको लगता है कि निर्दलीय होने के कारण? देखो केतन केत प्रदेश की सरकार एड़ा जो उम्मीदवार है, जो स्वतंत्र उम्मीदवार है, वो दबाव हर संभव प्रयास तो कर ही है, और केतन केत वहां डर लगता उसे कि जीत नहीं जावे, तो हो सके कई सारा साजिश और षड्यंत्र हो या करे, राजनीति में ना ये सब चीजें जायज भी है। देखो हवा रो तो ठा आने वाला चुनाव और परिणाम जद आ है उठम ठा पड़ जा है, और हूं तो अबार लोगों ने एज कही कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करो, आप रो एक एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार है, जो जितने की बात करें तो राजेंद्र गुड़ा है और बिल्कुल निर्दलीय उम्मीदवार होना चाहिए, जनता रे गुड़े ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन होना चाहिए, मजबूत लोगों ने आगे यार धरातल माते संघर्ष करना चाहिए, जितना भी संघर्ष कर रहे हैं सब शुभकामनाएं दें, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, जो भी चुनाव लड़ रहा है, अरे साहब जो लाठो हो नहीं वही चुनाव लड़ा करे, कपूत जो राली ऑर्डर हो जाया करे, तो जितना भी लोग है जो मजबूती में चुनाव लड़ रहे हैं वो सब बधाई दें और शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपने जहाँ बताया कि आमजन में जितना भी जुड़ी हुई जो समस्या है, वर्तमान में ना बिजली का संकट बहुत मोड़ी है, रबी री फसल रो समय उगड़ो है, आज बिजली रे मामले रे मीना और पूरा क्षेत्र त्रस्त है, विशेष करूँ अगर बात करा बाड़मेर जैसलमेर री, तो हर आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, कटौती है, अननेसेसरी ट्रिपिंग भी हो रही, ये मामले रे मीना मैं प्रदेश की सरकार मीना और मंत्री जी मीना भी बात करी, उन्होंने ये भी कहो कि समय रहते अगर ये चीज़ निस्तारण पे अगर नहीं करा तो जनता सड़क माता आया है, और जाहिर सी बात है कि किसान जो है वो बहुत परेशान है, उनकी बात सुननी चाहिए और धरातल रे माथा जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग रे बेड़ी, बिजली री समस्या में निजात दिलानो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ओरण भूमि के लिए बैठे थे, क्या कुछ निश्चित रूप में मीना, ओरण जो है अपने आप री है, और ओरण और गोचरण बचाउन री जो लड़ाई है, ये मीना जितना भी साथी अबार मारो साथ दे रहा है वहां से बारो धन्यवाद दिया, साथ ही साथ ये लड़ाई एक बहुत लंबी लड़ाई है, और निश्चित रूप में मीना ये क्षेत्र वास्ते मजबूती में लड़ा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर आज माँ ओरण और गोचर ने नहीं बचाई तो आने वाली पीढ़ी पूछी के साथ जिके टाइम ओरण और गोचर की बात चलती पड़ी, जिके टाइम कब्जो होते पड़े वो टाइम थे के था, तो जाहिर सी बात है लड़ाई माँ सबारी सामूहिक लड़ाई है, सांझी लड़ाई है, और निश्चित रूप में ना ये प्रकृति ना ये क्षेत्र ना बचाने वास्ते मैं मजबूती में ये लड़ाई ना आगे तक लड़ा।